वेलकम टू माय चैनल निधिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्लाज्मोडियम। हम आज जानेंगे प्लाज्मोडियम क्या है और इसका लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है। प्लाज्मोडियम जो है वो एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होता है जो कि यहाँ पे इंसानों में मलेरिया जो डिसीज़ है उसको उत्पन्न करता है। अगर हम यहाँ पर देखें कौन से स्पीसीज़ हैं जो कि इंसानों में यहाँ पर जो इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं और उन्हें रोग ग्रसित कर देते हैं, तो यहाँ पे चार टाइप के हमारे प्लाज्मोडियम हो जाएंगे जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओविल और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इस प्रकार से प्लाज्मोडियम के चार स्पीसीज हो जाते हैं जो कि इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं। अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो ये प्रोटोजोआ होते हैं जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ पे इंसानों को इन्फेक्ट करके उनमें मलेरिया जो डिसीज़ है उसको चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्लाज्मोडियम जो है वो इंसानों में क्या क्या रोग उत्पन्न करते हैं, मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। बट देखें प्लाज्मोडियम इंसानों के बॉडी में इंटर कैसे करेगा, ये इंटर करता है मॉस्क्यूटो के द्वारा। जब यहाँ पे फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो जो है इंसानों का ब्लड सक करती है, खून चूसती है, उस दौरान जो मॉस्क्यूटो है या मच्छर है उसके सलाइवा या फिर लार में ये जो प्लाज्मोडियम है वो पाया जाता है। जब भी जो मॉस्क्यूटो है वो ब्लड सक करेगा उस दौरान ही प्लाज्मोडियम इंसानों के बॉडी में इंटर कर जाते हैं और वहाँ पे अपना डेवलप करते हैं और फिर जो मलेरिया डिसीज़ है वो इंसानों में चालू हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ देखें तो प्लाज्मोडियम को अपना जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो होस्ट होगा हमारा मेन होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, वो होता है मॉस्क्यूटो, जिसे कहा जाता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, और सेकेंड होगा ह्यूमन बॉडी। दो होस्ट हो गए, इन दो होस्ट के बीच में ये अपना डेवलप करते रहते हैं अलग अलग टाइप से और अपना जो विकास है वो करते रहते हैं। चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का किस प्रकार से होता है। हम इसे तीन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जाना जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो इंसानों को काटेगी या फिर उससे ब्लड सक करेगी, उस दौरान जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और ये जो प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में गया, बॉडी के अंदर गया, वो कौन सा फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है हमारा यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स। तो अगर बात करते हैं, पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम का कौन सा स्पीसीज जो है वो मॉस्क्यूटो से इंसानों के अंदर इंटर करता है, तो वो होगा हमारा स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और इंसान के लीवर में पहुंच जाते हैं। लीवर में पहुंचते ही ये लीवर के अंदर जो लीवर का जो सेल है उसके अंदर अपना क्या करते हैं, डेवलप करते जाते हैं और लगातार यहाँ पे डिवाइड होते जाते हैं। तो इस दौरान इन्हें कहा जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लीवर में इनका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ ये लगातार क्या करते जाएंगे, अपना जो मल्टीप्लाई अपना जो संख्या है उसको बढ़ाते जाएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। और कुछ ही दिन बाद ये क्या करते हैं, जो लीवर का सेल था जिसे कहा जाता है हिपेटिक सेल, उसको यहाँ पे बस्ट कर देते हैं या फिर रप्चर कर देते हैं। जाहिर सी बात है सेल के अंदर ये अपना संख्या बढ़ा रहे हैं तो सेल में प्रेशर जम बढ़ता है और जो सेल है हिपेटिक सेल है वो रप्चर हो जाता है। हिपेटिक सेल के रप्चर या फिर बस्ट होते ही ये जो हमारी स्पोरोजॉइट हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं।
सेल से बाहर निकल जाते हैं। अब इस स्पोरोजोइट को कहा जाएगा मीरोजोइट्स। सबसे पहले तो बॉडी में इंटर किया था स्पोरोजोइट्स ने, स्पोरोजोइट लीवर के अंदर अपना मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये लीवर का जो सेल है बस्ट होगा। अब इससे निकलने वाले जो हमारे हमारे जो पैरासाइट हैं, प्लाज्मोडियम है, उसे कहा जाएगा हमारा मीरोजोइट। अब ये जो मीरोजोइट्स होते हैं वो लीवर सेल के बस्ट होते ही ब्लड की हेल्प से ब्लड फ्लो के साथ हमारे आरबीसी सेल में इंटर कर जाते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, सेल ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर अब ये इंटर करते हैं। अब यहाँ पे ये लगातार फिर से अपना मल्टीप्लाई होंगे किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, और अपना जो संख्या है उसको बढ़ाते जाएंगे। अब अपना संख्या बढ़ाते गए फिर से अब आरबीसी वीक हो जाता है और प्रेशर जमता है इसमें, जिसकी वजह से आरबीसी भी अब रप्चर हो जाता है या फिर यहाँ पे कहें बस्ट हो जाता है। तो आरबीसी के बस्ट होते ही यहाँ पे एक केमिकल निकलता है या फिर कहें एक हमारा जो टॉक्सिन है वो रिलीज होता है, और इसी टॉक्सिन ये रिलीज होते ही हमारे बॉडी में यहाँ पे ठंड लगना चालू हो जाता है और फीवर लगना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी भी मलेरिया पेशेंट को, तो नॉर्मल अगर आप मेन उसका लक्षण देखते हैं, कौन सा सिम्टम उसमें दिखाई देता है, तो ठंड लगना और फीवर का आना, ये दो मेन लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है आरबीसी के रप्चर होते ही जो टॉक्सिन रिलीज हुआ उसके प्रभाव में ये दिखाई पड़ता है। ये जो टॉक्सिन है वो बहुत ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे बॉडी में जो मलेरिया के लक्षण है वो डेवलप होना चालू हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो मीरोजोइट थे वो फिर से दूसरे आरबीसी के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, अपना जो मल्टीप्लाई है वो लगातार करते रहते हैं। कुछ तो आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई होते रहेंगे और इसमें से कुछ मीरोजोइट जो है वो यहाँ पे हमारा बनाते हैं गैमेटोसाइट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं गैमेटोसाइट्स। आरबीसी के अंदर भी यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि यहाँ भी इन्हें मेल और फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये लगातार अपना जो डिवाइड है वो होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आरबीसी रप्चर हुआ, हमारे बॉडी में मलेरिया के लक्षण दिखने लगे, कुछ मीरोजोइट फिर से आरबीसी के अंदर डेवलप होंगे और उसमें से कुछ जो हैं वो गैमेटोसाइट्स का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे जब गैमेटोसाइट्स बने, इस दौरान अगर उस ह्यूमन को कोई फिर से मच्छर काटे तो जो गैमेटोसाइट्स बने हैं वो मॉस्क्यूटो के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। मॉस्क्यूटो ने यहाँ बाइट किया ह्यूमन को, जिसके अंदर हमारे गैमेटोसाइट्स थे, उस दौरान ये ब्लड के साथ हमारा जो मॉस्क्यूटो है उसके बॉडी में इंटर कर जाते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स थे जो कि ह्यूमन बॉडी से मॉस्क्यूटो के अंदर आ गए, वो क्या करेंगे यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको चालू कर देंगे। यहाँ पे अगर देखें तो गैमेटोसाइट्स मेल और फीमेल दो होंगे तभी तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो जो मेल गैमेटोसाइट्स है उसे कहा जाता है माइक्रो गैमेटोसाइट्स, और जो फीमेल गैमेटोसाइट्स है उसे कहा जाता है मैक्रो गैमेटोसाइट्स। मच्छर के बॉडी के अंदर आते ही ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो मच्छर के गट्स में चले जाते हैं ताकि सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन है उस प्रोसेस को ये कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे मच्छर के गट्स के अंदर लगभग ये 15 से 18 दिन में अपना रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो करते हैं और पैरासाइट का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है स्पोरोजॉइट्स। और यही स्पोरोजॉइट्स जो है वो क्या होता है, अब मच्छर जब भी इंसान को काटेगा इंसान के बॉडी में इंटर कर जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था मच्छर जब भी इंसान को काटता है तो जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट्स फॉर्म है वो इंसान के अंदर इंटर करता है, और ये जो स्पोरोजॉइट है वो कब बनता है, गैमेटो
साइट जब मच्छर के अंदर उसके गट के अंदर जाते हैं तब ये स्पोरोजॉइड बनता है। अब ये स्पोरोजॉइड जो है जो कि बना गैमेटोसाइट के द्वारा वो इंसानों में फिर से पहुंच जाएगा जब भी मच्छर इंसानों का जो ब्लड है उसको सक करेगा। अब फिर से ये जो प्रोसेस होगी कौन सी प्रोसेस, स्पोरोजॉइड का लीवर में जाना, लीवर से ब्लड में, ब्लड से यहाँ पे फिर से गैमेटोसाइट का बनना, गैमेटोसाइट से का फिर से मच्छर में जाना। अब ये जो प्रोसेस है साइकिल है वो फिर से लगातार चलते रहेगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो चलते रहता है। मच्छर में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा और इंसानों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे इसके अलग अलग फॉर्म जो है वो अलग अलग जगह पर देखे जा सकते हैं। स्पोरोजॉइट जो है वो बॉडी में इंटर करता है, लीवर से निकलता है मीरोजॉइट, मीरोजॉइट जो है वो ब्लड को या फिर आरबीसी को रप्चर करता है, आरबीसी के रप्चर होते ही यहाँ पे गैमेटोसाइट बनते हैं, गैमेटोसाइट से यहाँ गैमेटोसाइट जो थे वो हमारे कहाँ पहुँचते हैं, मच्छर के गट में पहुँचते हैं, मच्छर के गट में ये डेवलप होके स्पोरोजॉइट बनाएंगे, स्पोरोजॉइट जो है फिर से दूसरे इंसानों तक पहुँच जाएगा। इस प्रकार से प्लाज्मोडियम का जो हमारा लाइफ साइकिल है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो था वो कंप्लीट होता है। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजॉइट फॉर्म है उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी का कौन सा सेल रप्चर होता है? ऑप्शन होंगे हमारे लीवर का सेल, दूसरा है किडनी का सेल, या फिर आरबीसी या रेड ब्लड सेल। आपको आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं, जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।